महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊंवाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। आपको ये कबूतर आवाज सुनी ने गुटर गुं को तो बेल बेल लगने ने। आपको मालूम छ आजकल हमरा ने बहुत सारे कबूतर आ रही, उसके तो हर सालों ने, लेकिन मालूम ने साले तो कम के लिए आ रही। उसके मेरे आम कने पछिल बार हम अपन खेतों फसल के बचना लीजिए कीटनाशक दवा प्रयोग करो ने, वी का कारण ये साल इतु कम चिड़ियाएँ आई। क्योंकि आपको तो मालूम छ कि जो ये चिड़िया होने ने हमारे खेतों कीटों को खा देने और साथ में कभी कभी जो हमारे फसल लगी हुई है उनके लिए खा देने, और हम जब अपन खेतों में कीटनाशक दवा प्रयोग करो ने और इन कीटों के खाबे या फिर वो फसल के खाबे नहीं कबूतर को बहुत ज़्यादा नुकसान उठन पड़ो। लेकिन क्या आपको मालूम छ जो ये कीटनाशक छने उससे पशु पक्षियों लीजिए खतरनाक हैं, हम इंसानों लीजिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हूँ, और ये और खतरनाक हो जाओ जब हम एक संपर्क में होने। क्योंकि आपको तो जान छाने कि हमार जो कुमाऊँ क्षेत्र परिवार छे वो सब खेती पर निर्भर होने, यानी कि जब खेतों में फसल है तब हम अपन घर परिवार चला सकूँ, और यह खेतों जो फसल छने वो बचना लीजिए जो हमारे किसान भाई छे या किसान बहनें छे वो बहुत प्रयास करने, चाहे क्या ही रहो वो हर संभव प्रयास करें तैयार रहने, चाहे रात रात भर खेतों में पहरेदारी करन हो या फिर कीटनाशकों प्रयोग करन हो। मेरा नाम मुन्नी बिष्ट से, मैं ग्राम बूढ़ी बनाक से, और जो फसलों में हम कीटनाशक दवा छिड़काव करना वो हम अपन फसल लाग लीजिए करना, जैसे कि मूस लाग रहा गेहूँ में, लाग रहा आलू में, लाग रहा जौ में, लाग रहा मूस को मारना लीजिए हम कीटनाशक दवा प्रयोग करना, और यह मटर गोभी आलू में जे ले जमे से मतलब मर्च टमाटर गोभी आजकल हर चीज़ में रासायनिक दवाओं प्रयोग होने लग गए, तो हम बचना लीजिए कभी कुरकू मारना लीजिए माट भीतर जो हों सभी दवाओं उनको मारना लीजिए कीटनाशक दवा उपयोग करना, और क्या कहने ये मूस मारना लीजिए करना जो जले से मतलब हमको लगे कि ये चीज़ हमारे फसल को नुकसान ना हम उलझिए कीटनाशक दवाएँ प्रयोग करना। और जहाँ तक रसायनों प्रयोग करने बात छ, यानी कि इन रसायनों के इन कीटनाशकों के फसलों में छिड़काव करने बात छ, तो अफोल्ला और मैला अक्सर देखो कि हमारे घर जो दीदबणियाँ होने ने वही हमारे फसलों में इन्हों छिड़काव करने, यानी कि चाहे टमाटर हो प्याज हो गोभी हो लौकी हो भिंडी हो कोई ला सब्जी के लिए हो, अक्सर हमें दीदबणियाँ इनमें छिड़काव करने और उले बिना कोई सुरक्षा अपने भी। जब हम खेतों में दवा खेलना दवा हवा नहीं कड़ा मारने दवा हम उसके मुँह लेने बंद न करन हाथों में दस्तान नहीं खुटा में कभी जोड़ लेने, अब जल्दीबाजी हो रही उसके बिगर जताइए दौड़ जानो सर भैया मशीन में करने दवा खेलना कड़ा मारने। जब हमें घर दीदबणियाँ बिना कोई सुरक्षा अपनाई इन रसायनों को हमारे खेतों में प्रयोग करने ने, तो आपको क्या लागो कि इन रसायनों के सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम के ऊपर दिखे उन्हें हमें दीदबणियों पर, किले क्यों बिना सावधानी अपनाइए इनर छिड़काव करने, और आपको मालूम जो ये रासायनिक पदार्थ छने इनको हम केवल कीटनाशक के रूप में प्रयोग न करें बल्कि हमारे आसपास ले कई ऐसी चीज़ें छे जनों में रसायन पाई जो रसायन यानी कि जहरीला पदार्थ पाई जो, जिसके आप सांप बिच्छू मकड़ी छिपकली यूँ देख रहा होना ने इनर पास ले जहर होने जो जहर से वही एक प्रकारक रसायन है, और जब ये रसायन या जहर हमारे शरीर में प्रवेश करो ने तो विल हमारे स्वास्थ्य के बहुत ज़्यादा नुकसान हो। विल हमारे स्वास्थ्य के नुकसान इसका हूँ कि जब हमारे शरीर में यह जहर या कोई रसायन पदार्थ प्रवेश करो ने विल हमारे रोगों दगर लड़ने की क्षमता कम हो जाए, और जब हमें रोगों दगर लड़ने की क्षमता कम है तो हम बीमार हो विल हमारे स्वास्थ्य प्रभावित हो।
ये तो तब हूँ जब जो रसायन जो हमारे शरीर में प्रवेश करो। लेकिन अगर हम कभी गलती ले इन रसायनों के संपर्क में आ जुला ने संपर्क में, यानी कि अगर कभी गलती ले कोई रसायनक छीटा वगैरह हमारे शरीर में पड़ जाला ने, कोई रसायनक छीट वगैरह हमारे शरीर में पड़ जाला ने, वीक ले बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम दिखे नहीं मिलने। यूँ जो कीटनाशक होने ना संपर्क में आबे हमके क्या क्या दिक्कतें होने, हमारे स्वास्थ्य कसके प्रभावित हों, उगे जानना लीजिए चलो हम एक नन बातचीत तरफ। ठिल जा पलक की कर दिन छी तो बोट में का पैन जोश किया कितने छी वे बेचरे वे क्या कने यो प्याज में का कुरगू लाग रो दवा पैन खिना छो सब चीज में कुरगू वे लाग रो ला रसो दवा खिना छो आप धे अखिल के क्या हूं तू कहां पे होना है भेट मैंने बस इजा तही कारोबार में का लाग रही हूं भटई बनौनी यार दवा हमर माने बस अबे जतो फसल छे प्याज कछी भले लहसुन कछी भले अमार ली रोज चिंगान कर रही है कुरगु लागी यशकुर लागो उशकुर लागो दवा लवा आ फिर बुबुल पैंस दिखे छे भटे के जार छु मां बेटी दवा पान लोने रियु थे हम आमले खेते साथ आज भी आवे दवा पे जब भो बेटी फिर देख तू हमर वाला फसल क्या ले ल है। अच्छा तू कह दुकान में बैलोना छ पे तस मगे के पत्तू ही नहीं तू बोलू या नंदुदा दुकान में खरीदे धर रख चीने ब मैं उठ के गयो स्कूल पे आयो उनुंग बेटी ले आयो मैं के तस पत्तू नहीं तो कह को बेलारी क्या ला रही किले वे तू मूली या खाप तो पहली ले या दवाई खिरकी आ दवाई लोनो सो कना छ तदु दवाई की खिना छ तुम बस दवाई लोन में छो यार मैं तो जतु बार भटई जाऊं तो बार दवाई लो आ उपतर ले कीड़ ने मरने रहे जो पूर्वी दवाई लाड़ छो ये कीड़े ने मेरे को नए साम है आज ये वाई दवाई लो अंताज जी जी बाजार में नई दवाई है जी जी नई नई टीवी में देखने बस वही चीज हम लोग खेत में खितन भे धे तेल जो हो जा धे तेल जो हो जा पतू ने क्या क्या खितने आ रही हूँ दवाई हवाई ले अब तो या सब चीजों में दवाई चाहिए भे त्यार आंख तो तू लाल किले हो रही तो बता तू त्यार आंखा में क्यों हो रहा छी फुट जने वही मेरा खा पूर्वी इले तसो ये दवाई खिना चक्कर ली तो हर सब दिमाग खराब फिर ले इनको दवाई धो ही नहीं मेरे घर में गए उदिन पतु से दवाई खिन्न रही वो आँख में नहीं पड़ा उदिन बटी पतु मेरे आँखा में जलन ले होने रहा अब तब जा रही मैं आए भटे ही मेरे को दे मेहरा डॉक्टर वहाँ क्या ही दवा होने ली संग संग वो दवा ले लागी हूँ दवा ले अब हम ये दवा के खेतों लेने मैं तो कान है चिंगुट दिहा ले मेरी बाप बहो ये तो कखा में पीड़ होकर नहीं पढ़ी लेने नरा टी वी लेने देखी ने मेरे ख्याल तुमूल दवा भली नहीं खी थुने ली तब तो आँखा में पढ़ने ला ठीक ठाक है खिन्ना कहाँ बजे ना आँखा में यार तो तू सही करने रही थी पर तू उमंगला लिखी है कि ऐसे ढकना ऐसे दवाई डालना सुबह डालना शाम डालना तो कहाँ बेटी अब हमारे घर में तू फैसिलिटी नहीं होने पे तू आँख करने रही मेरे हाथ में देखते हैं कतू का एलर्जी है गए आँखा को तो मैं ली सोची आप फूटी जने से मैं कब आँख लेने देखो कत्तू आँखा में गए ठंड पानी छप छपा है जुकाम ले लग गुलाब जल खींच को उस ल कर दो तीन घर है जतू दवा हो जाऊँ वो सब करी बुबू का आँख में खींचनी हुआ दवा ले खींचते मैं ली उदी ने मेरा आँखा ने खुल अब ये कम से कम मेरा आँख दिखी न रहा बाबू हो मेरा जो बिरो पड़ो हो ही पड़े हो वे तो यार हाथों मिला बहुत निशान जा सूर्या कितने लाल लाल और तो खत्म तो जा सोरी किला डॉक्टर क्या कहना अच्छी तुगे क्या कहने वो डॉक्टर दो उन्होंने अपन पर्चे भरन भा बस ये तो लंब दवाई दी दे उन्होंने आप बैक ये कहने वो बस वही कहने रहा ढक के जाना ये मत करना वो मत करना ऐसा खाना वो मत खाना है गए दो बोले की बतो ने उसे भी यार दो किला कहना अच्छा तू अब डॉक्टर लोग ठीक है तब तू नीर भा तुम उली ठीक है निखित ने तब तो लाल हाल हो रही आंख लाल हो रही हाथों में खत हो रही दो तू को खबर नहीं थी तो परारे भी है तेरे नैन का किला दवाई की थी वही कतू तबीयत खराब है गाँव में पीड़ और आंग में जलन हाथों में जलन तब तो डॉक्टरों का आपका नैन ता ली जावा हल्दवैन ली जावा जब है भे आप तुम तो भली काम करा कहो भली न करना तुम आज ही तो ले गु आप दवाई खन मेरे कि कने आप जब मिन काम करा कि दवा जब मैंने पूरे साल में दवाई खाते 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 आली बियर मैं ठीक जे सुरे न तर तो दवाई ले बहुत पॉइजन हो यार पेटों में गए है यार तो सत मगे डॉक्टर है लगो पे कि तुम उन सावधानी ने कह तुम उन ग्लब्स ने पे तुम उन मुंह ने ठोए कि अखा मगे चासम लगों चैन लेकिन वो तो जी हुई क्या यार मैं तो कने रही जय सावेल यार दवाई बना होने ये कतु कहाँ ली हमारे स्कूल की एक चली ली दवाई खावे मेरे हो यार तो सर मैं डॉक्टर है लगो कि तुम हाथ में गए दस्ताने पहन रखे ची और कि कने
दस्ताने पहन रख ची, मुँह ने ढक रख ची, आँख ने ढक रख ची। अब अखिल बार पेटी का यार मैं पहली ये करन छ। अच्छा यार अब तो अखिल का भाई ध्यान दिया दवा पहन कसी खिलने का बेर और तो ठीक ठाक के खितिया पेट होली जा पे। हाँ खिता पे खिता मेला जो यार यो मेरा भाभी नी इतना डाला डार कर दिया ले। हो है जा पे जावे तो तेरा भाभी ले निरनरा। सुनो ना आफूल हमें दीद बेणिया के यो रसायनिक संपर्क में आबेर कतु दिक्कत उठुम पड़ने इतु दिक्कत हमें दीद बेणिया के असल जी उठुम पड़ने किले की मैल जिसके की आफू को हमें दीद बेणिया ही ज्यादातर फसलों में रसायनिक प्रयोग करने एक कारण उन्हें स्वास्थ्य में एक ज्यादा प्रभाव दिखने मिलो। और जतुला हमोल यह बातचीत सुनी ने यह बातचीत में हमोल रसायनों दगर होने वाले नन नन दिक्कतों के बारे में जानो यानी कि हमारे हाथों में बस खुजली लगने आँखा में खुजली लगने या फिर कुछ और चीज़ें होनी। अगर हम कहूँ कि रसायन हमारे जी तो खतरनाक से इतु हानिकारक से तो यकीन एक असर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पड़ने एल हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने या रसायनिक संपर्क में अवेयर हमारे शरीर के क्या क्या खतरे उठन पड़ा और साथ में हम ये कतु प्रभावित हो सकनो उगे जानना लीजिए चलनो हम एक जानकार व्यक्ति पास। देखिए जहाँ तक है पूरे विश्व में जो है अब रासायनिक खादों का प्रयोग जितने भी विकसित देश हैं कम से कम होते जा रहा है। हम ही लोग हैं कि और विशेषकर हमारे मैं देख रहा हूँ कि पहाड़ी परिवेश में और ये जो भाबर में है हम ज्यादा से ज्यादा खादों का प्रयोग कर रहे हैं जबकि खादें हमारे शरीर में जा करके ये पैदा होने वाले बच्चे से लेकर के जो हमारे जो पैदा हुए छोटे छोटे बच्चे सबके लिए घातक है। और जहाँ तक प्रश्न हमारे जो गृहिणी का है जो खेत में काम करने वाले लोग हैं तो स्प्रे के समय में उसकी सांस की नली में भी ये चला जाता है मैंने देखा है। और बहुत सारे मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं कि स्प्रे करते करते बेचारे बेहोश हो जाते हैं फिर उनको 108 के माध्यम से जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया जाता है तो उनको हम लोग फिर ऑक्सीजन देते हैं और जो जिस तरह की उनको समस्या आ रही है उल्टी होती है उसके लिए दवा देते हैं कभी कभी तो उनको उच्च केंद्र भी संदर्भित करना पड़ जाता है। तो इसलिए जो है उसमें भी सावधानी है सबसे पहले यदि स्प्रे हो रहा है तो अपने नाक और मुंह को ढकते हुए इसको स्प्रे करेंगे हाथों में ग्लव्स पहन लेंगे क्योंकि ये इतने खतरनाक स्प्रे होते हैं कि ये जो है खाल से भी शरीर के अंदर जा सकते हैं। पूरे तरह अपने को ढकते हुए अपने जो मास्क लगा करके अपने को बचाव करते हुए स्प्रे करना तो खाद तो एक रासायनिक खाद जो है बहुत ही खतरनाक हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि कम से कम यदि जब जरूरी हो आवश्यक हो तभी जो है स्प्रे या खादों का प्रयोग किया जाए अन्यथा जो हमारी जैविक हमारी जो खादें हैं उनका ही प्रयोग किया जाए। उससे उत्पादित जो हमारा भोजन होता है वो पौष्टिक तो होता ही है सारे विटामिन होते हैं उसमें चाहे मात्रा उसकी कम हो लेकिन वो पूरे समाज के लिए सुरक्षित होता है इसलिए जो है जैविक खादों का ही प्रयोग किया जाए तो बेहतर है। रसायन द्वारा हमें को होने वाले नैन नैन और ठुल्ले ठुल्ले समस्याएं और साथ में उनर उपाय ले और जैसे कि मैं आपको कौन चुने कि हमारे घर एक दिदबेणियाँ ज़्यादातर इन कीटनाशकों का प्रयोग करने और इन्हें प्रभाव में होने उसके तय मेले आफूले कभी न कभी इन्हें प्रभाव में जरूर आ रही होना किले कि हम अक्सर लापरवाही बरत बेर इन्हें उपयोग करनो इसी एक दिद लक्ष्य साथ में उन्होंने जब रसायनों प्रयोग करो और जब वो इन रसायनों संपर्क में आई तो उनका अनुभव रही तो जानो उन्हीं के बटिक। मेरा नाम बचुली देवी से हम ग्राम बना में रहना जब एक दिन दवा की थी गुम के बहुत परेशानी है बहुत मुड़ा लाग पड़ी उल्टी जहले हो पड़ी घुमार हो भते बहुत याद है मेरे को दिन है जब एक दिन दीदी बताते इसके निखतन दवा मैं कम पावर एक बनौन पड़ेगा तब फिर मैं दूसरे बहुत बटी तब कम पावर एक बनाया तब ने लाग फिर मुँह में पट्टी लगा भी खिन्न दुआ आप मैं सावधानी खिन्न ये दीदी क्या बात सुन भी ने मैं बस आपको दुखा कह सकूँ कि अगर आइंदा आपको कभी रसायनों संपर्क में आला या फिर कभी अपन खेतों में फसलों में कीटनाशकों का प्रयोग कर लाने थोड़ा सा सावधानी अपनाए भी किले की सावधानी और सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आपको कहना होना ला कि हम कस कस सावधानी और सुरक्षा अपना सकनो हम गए डॉक्टर बताने कि हम उगे हाथों में ग्लव्स पहनन चैन खुटा में जोत पहनन चैन और घर में ट्रैप हो चैन मुँह बंद हो चैन तब हम ये रसायनों छिड़काव करन चैन और साथ में हम लोग ध्यान दें चैन कि इनर कोई ला छिट वगैरह हमारे शरीर में न पड़ो कि लेकिन घर परिवार काम तो महत्वपूर्ण हुई हूँ
घर परिवार काम करन हमूल बहुत जरूरी छ। अगर हम काम न कर ला तो हमार घर परिवार कसके चलन। लेकिन घर परिवार काम बेला सबसे महत्वपूर्ण छ हमार अपन स्वास्थ्य। अगर हम स्वस्थ न रहला तो हम अपन परिवार के कसके स्वस्थ दे सकूल, अपन परिवार के कसके खुशहाल दे सकूल। तो एक लीजिए मैं उम्मीद करूँ कि हमें दीदबेणिया अपन स्वास्थ्यक ध्यान देलिन और हम आजकल तो बातचीत ला करनी हो कार्य के लिए हमें दीदबेणिया के को कार्य के लिए कस तकलीफ उठन पड़े वे क्या उपाय हो सकने एक लिए हम बहुत सारा बातचीत करनी ने। तो अब तक आपूगे अपन स्वास्थ्यक ध्यान दिन सकूँ। लेकिन आप उदगर में फिर से करूँ मुलाकात कोई नई कार्य बोझ के लिए और साथ में वो कार्य बोझ दगर जुड़ी हुई नई समस्या और एक उपाय के लिए। तब तक मुझे दिया इजाजत। नमस्कार।